छत्तीसगढ़ की 6वीं विधानसभा के लिए पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप और अजय चंद्राकर ने प्रस्ताव रखा, जिसका अरुण साव, भूपेश बघेल, विजय शर्मा, भावना बोहरा और पुन्नूलाल मोहले ने समर्थन किया। सभी नव निर्वाचित सदस्यों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह को विधानसभा का अध्यक्ष चुना। डॉक्टर रमन सिंह मैं डॉक्टर रमन सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उनके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। धन्यवाद। मैं पुनः डॉक्टर रमन सिंह जी का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी इस आसंदि को ग्रहण करें। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी से अनुरोध है कि वे कृपया उन्हें ससम्मान आसंदी तक लाएं। माननीय अध्यक्ष जी को, डॉक्टर रमन सिंह जी को आज के इस नए दायित्व के लिए सदन के नेता के नाते पूरे सदन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं विपक्ष को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी को, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी को, जिन्होंने परंपरा को कायम रखा। आदरणीय अध्यक्ष जी के से सब सदन, पूरा सदन परिचित है। माननीय अध्यक्ष जी सबको साथ में लेके चलने में विश्वास करते हैं, जो उनके दायित्व को निभाने में बड़ा कारगर होगा। माननीय अध्यक्ष जी इस सदन में विधायक और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वे संसदीय कार्य प्रणाली और विधि विधायी प्रक्रिया के बड़े ज्ञाता हैं, तो निश्चित रूप से ये सदन सुचारू रूप से चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश में भी विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, केंद्र में
मंत्री रहे हैं, इनका एक लंबा अनुभव है और मेरा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ विधायक और सांसद के रूप में काम कर चुका हूं और इनका मुझे लगातार सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहा है। अब इस सदन को आगे इनका मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा। मैं पुनः एक बार उनको इस दायित्व के लिए अपने तरफ से पूरे सदन के तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।